हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ये मेकअप लुक फॉर करवा चौथ किया हुआ है। जितना ही ये विद ज्वेलरी खूबसूरत है, उतना ही विदाउट ज्वेलरी भी ये खूबसूरत है। इसे आप न्यू ब्राइडल भी ये मेकअप कर सकते हैं। तो इसे अचीव करने के लिए मैंने सबसे पहले टोनर का इस्तेमाल किया है। टोनर इस्तेमाल करने से हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है एंड हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। तो इसलिए मेकअप से पहले आप स्किन केयर में टोनर को ज़रूर शामिल करें। इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो लिए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, तो और आप इसे इजीली घर पे कर सकते हो ये मेकअप। अब मैंने यहाँ अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए रोज़ हिप सीरम लिया है। इससे आपका फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लगता है, आपका मेकअप भी काफ़ी ग्लोई सा होता है। इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़ किया हुआ है इससे, एंड ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आपको बार बार अपने फेस पे हाथ लगाने का मन करेगा। तो एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद यूज़ करूँगी मैं लिप बाम एंड प्राइमर। प्राइमर के बाद अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ फाउंडेशन। प्राइमर लगाते हुए मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वो क्लिप डिलीट हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन है मेबलिन सेटिन का विप्ड एयर फाउंडेशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, या फिर हल्की सी भी अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ हल्का सा आपको लगा कर दिखाया हुआ है। मेरे स्किन टोन पे भी काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप इसे ज़रूर लें। और अभी के समय में थोड़ी स्किन ड्राई हो जाती है तो ऐसे में आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होता है इस फाउंडेशन के साथ। तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। एंड आप जब भी फाउंडेशन लगाते हो तो उसकी ब्लेंडिंग पे खास ध्यान दें। अगर फाउंडेशन ब्लेंड अच्छे से हो जाएगा तो आपका मेकअप भी काफ़ी समय तक चलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा क्लीन और रियल और नेचुरल लगता है आपका स्किन। इसके बाद मैं अब इस्तेमाल करूँगी कंसीलर अपनी अंडर आइज़ पे। अगर आपके पास कंसीलर ना हो तो आप फाउंडेशन भी लगा सकते हो। अपने स्किन टोन से एक टोन ज़्यादा वाला फाउंडेशन लो एंड आप उसे कंसीलर की तरह कुछ इस तरीके से लगा लो। तो मैं यहाँ पे कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। कंसीलर लगाने के बाद आपका जो आई शेडो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया है। सबको पता है कि कंसीलर काफ़ी अच्छा होता है डार्क सर्कल को भी छुपाने में। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी आई शेडो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रीज लाइन पे एक हल्का सा शेड लिया हुआ है, ट्रांजिशन शेड, जिसे मैंने काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करके अप्लाई कर लिया है कुछ इस तरीके से अपने दोनों आईज़ पे। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ अपने आउटर व्यू पे एक हल्का सा ब्लैक कलर। बहुत हल्का सा ब्लैक कलर है, मतलब कि ग्रे कलर में है। एंड इसे मैंने अप्लाई किया है थोड़ा सा स्मोकी लुक आ जाए इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों आईज़ पे कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। और अगर आप आई शेडो लगा रहे हो तो इसकी ब्लेंडिंग पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने आईलिड पे गोल्डन कलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो कुछ इस तरीके से मैंने आईलिड पे लगा लिया है गोल्डन कलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लिटरी था, बहुत ज़्यादा नहीं और ना ही बहुत कम, तो ग्लिटरी सा था जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और मैंने इसे दोनों आईलिड पे कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लिया। और अब मैं इसके बाद लगाऊंगी कुछ, हाँ, मरून कलर का शेड लेकर के मैंने बीच में दोनों वो ग्रे कलर और गोल्डन कलर को कुछ इस तरीके से मिक्स कर दिया और ये लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोनों को मिक्स कर देने के बाद बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप है, आप इसे इजीली घर में कर पाओगे। एंड अब आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मैंने यहाँ पर लॉरियल मैट मैजिक का अप्लाई किया हुआ है। मुझे कॉम्पैक्ट हद से ज़्यादा पसंद है। कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद अब मैं लगाऊंगी यहाँ इसके बाद ब्लश। ब्लश ना लगाएं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि करवा चौथ मेकअप है, कोई भी ब्राइड इसे कर रही है या फिर नई दुल्हन ही क्यों ना कर रही हो ये मेकअप, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा अगर आप ब्लश लगाते हो। तो बस थोड़ा सा स्माइल करो और लगा लो ब्लश।
इससे आपके गाल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। गालों पे लाली ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लश लगा लिया एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है आईब्रो पाउडर्स जो कि पेनकेक्स में आते हैं, तो उसे ही मैंने अप्लाई किया हुआ है। अगर आप इसे यूज़ नहीं किया है आपने कभी तो एक बार आप यूज़ करके देखना, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है और इस तरीके से आईब्रोज को अगर आप फिल करते हो तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है, बिल्कुल भी ओवर या फिर ओवर मेकअप नहीं लगता, बिल्कुल नेचुरल लगता है और आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। तो मैंने यहाँ पे स्पूली से थोड़ा सा अपने आईब्रोज को सेट कर लिया है कुछ इस तरीके से एंड अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैंने इस्तेमाल किया हुआ है पता नहीं कंपनी कौन सा था, मुझे ध्यान में नहीं है, बट मैंने यहाँ पे स्केच आईलाइनर का इस्तेमाल किया हुआ है। स्केच आईलाइनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है लाइनर लगाना। तो मैं यहाँ पे विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ अपने आईज़ को थोड़ा सा बोल्ड दिखाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपको स्पेशल दिन पे, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपने लोअर लैसेस पे भी डार्क मरून शेड एंड गोल्डन शेड मिक्स करके कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया है और अब ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, आप खुद देख सकते हो। और आगे की तरफ लिड पे मैंने गोल्डन कलर लगाया। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी आई लैसेस एंड इसकी गोंद सही ना होने की वजह से आई लैसेस बिल्कुल टिक ही नहीं रहे थे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर लिया मस्करा। और मस्करा मैंने सिंपल सा, आप सोच नहीं सकते हो, मैंने ब्लू हेवन का अप्लाई किया और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मैंने ब्लू हेवन के मस्करा को यूज़ किया हुआ है, आप खुद देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 से 3 कोट अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे लिप लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। लाइनर इसलिए क्योंकि अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हो तो लिक्विड लिपस्टिक तो काफ़ी ज़्यादा समय तक आपके लिप्स पे टिके रहते हैं, बट अगर वो थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो आपका सारा मेकअप ख़राब हो सकता है। तो आप कुछ इस तरीके से अगर लिप लाइनर लगा लो एंड उसके बाद आप कुछ इस तरीके लिपस्टिक लगाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा समय तक तो टिकता ही है, बट वो सही शेप में और बिल्कुल सही से लगता है। तो एक बार आप इसे ट्राई करना अगर आपने अभी तक लिप लाइनर लगा कर लिक्विड लिपस्टिक नहीं यूज़ किया हुआ है ना, तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, बिल्कुल सही शेप में आपकी लिपस्टिक लगती है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी और गड़बड़ नहीं होगी तो आपकी मेकअप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सो गाइज, इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के बगैर तो मेकअप बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि चांद के साथ साथ हमारा फेस भी तो चमकना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर हाइलाइटर मैंने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने ब्रो बोन पे, इसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे इनर कॉर्नर पे एंड नाउ माय मेकअप इज़ ओवर। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल विदाउट एनी ज्वेलरी मेरा मेकअप कुछ इस तरीके का लग रहा था, बिल्कुल सिंपल लुक है एंड अब आप देख सकते हो विथ ज्वेलरी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो गाइज, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।